छतरपुर जिले के जुझाड़ नगर थाना क्षेत्र के ग्राम बिंदुवन पुरवा में गुरुवार को एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या किए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। बताया गया है कि जिस युवक की हत्या की गई है वह एक दिन पहले घर से लापता हो गया था तथा 3 दिन बाद उसका विवाह होने वाला था। विवाह से 3 दिन पहले युवक की हत्या होने के कारण खुशियों से भरे परिवार में मातम का माहौल निर्मित हो गया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विवेचना शुरू कर दी है। इंद्रपाल के सीने पर चाकू से वार किए जाने के निशान मिले हैं, जिससे स्पष्ट है कि इंद्रपाल की चाकू से गोद कर हत्या की गई है। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद लवकुशनगर SDOP सहित जुझाड़ नगर थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पंचनामा कार्यवाही के बाद शव को PM के लिए भिजवाया गया। पुलिस ने घटनास्थल पर बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्रित किए और मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। ये जुझाड़ नगर में विद्वानपुरा गांव है, जहां अर्ली मॉर्निंग हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई कि एक व्यक्ति की मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। इमीडिएट हमारा फोर्स और सभी थाना प्रभारी और SDOP गए संबंधित, तो उसका नाम लेटर ऑन हमें ज्ञात हुआ कि इंद्रपाल उर्फ गुल्लू अहिरवार है, जो मृतक है। एज उसके 21-22 साल के आसपास है और जो उसकी बॉडी मिली उसके चाचा का खेती था। और ये भी इन्फॉर्मेशन अभी प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मिली है कि कल शाम से वो कहीं गया हुआ था, तो परिवार वाले ढूंढ रहे थे, उसको ढूंढने का प्रयास चला था क्योंकि उसकी आगामी 2 तारीख को मैरिज भी है। अभी सीने में शार्प ऑब्जेक्ट के कुछ निशान मिले हैं, तो इसमें हमने FSL टीम वगैरह बुलाएगा, वो आ रही है और इसमें PM भी कराया जाएगा। अभी हमने मर कायम कर लिया, बहुत जल्दी इसमें हम आगे रिपोर्ट के आधार पर केस रजिस्टर्ड करके इन्वेस्टिगेट करेंगे, बहुत जल्दी केस को खोलेंगे। अभी तो कुछ कह पाना बहुत ही डिफिकल्ट है, नहीं प्रेमा फेसी मर्डर के सिम्टम्स दिख रहे हैं, लेकिन कौन है क्या है इसमें हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा।